प्यारे दोस्तों नमस्कार, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम दो जिले बेमेतरा और रायगढ़ की पूर्व भर्ती सूचना के संशोधित आदेश के बारे में बात करेंगे। संशोधित आदेश में क्या लिखा है, हम एक एक करके दोनों जिले के संशोधित आदेश पर बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह वीडियो। चलिए इस आदेश में क्या लिखा है देखते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, संशोधित आदेश। संशोधित आदेश बेमेतरा दिनांक 17/5/2022, या 17/5/2022 को आदेश जारी किया गया है। इस कार्यालय के जो ज्ञापन है, संविदा भर्ती साक्षात्कार सूची 2022 बेमेतरा दिनांक 13/5/2022 के द्वारा बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़ बेरला देवकर एवं बेमेतरा के संविदा नियुक्ति साक्षात्कार हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 23/5/2022 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है और साक्षात्कार अब 23/5/2022 के स्थान पर 24/5/2022 समय प्रातः 8 बजे पूर्व निर्धारित स्थान जिला बेमेतरा के सभा कक्ष में लिया जाएगा। पहले जो समय 10:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक था और जो डेट था वो 23/5/2022 को होना था। स्थान चेंज नहीं हुआ, स्थान वही है, जिला पंचायत बेमेतरा के सभा कक्ष में होगा। समय और जो डेट है वो चेंज हुआ है। पहले 23/5/2022 को 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक था, वो अब 8 बजे होगा। अब हम बात करते हैं अगले जिला रायगढ़ के बारे में। देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़, 17/5/2022 को यह जो संशोधित सूचना है वो जारी किया गया है। देखिए क्या इसमें, इस सूचना में बोला गया है कि जो संविदा पदों के लिए नियुक्ति हेतु जो आवेदन मंगाए गए थे 12/5/2022 से 23/5/2022 तक स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रहा है। तो इसमें क्या लिखा गया है, कंडिका क्रमांक 8 में केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से जमा आवेदन शुल्क मान्य नहीं होगा, इसको विलोपित किया जाता है, जिसके स्थान पर केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन शुल्क दे होगा पढ़ा जावे। मतलब इस सूचना में क्या बोला है कि पहले क्या लिख डाला था कि केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा, तो इसको विलोपित किया जा रहा है। तो इस सूचना में ये बोला जा रहा है कि केवल डिमांड ड्राफ्ट से आवेदन शुल्क दे होगा। यदि आप इस जो पहले आदेश में क्या है इसको जानना चाहते हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके पूरा डिटेल जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पूरा डिटेल से, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा पद के बारे में कितना पोस्ट है क्या है ये पूरा डिटेल आप जा करके देख सकते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना इसको हटा दिया जाता है, केवल जो है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही आपको करना है आवेदन शुल्क दे होगा, ओके। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।